हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन कार्यक्रम। तो देखिए, आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ राउंड शेप आईब्रो। तो सबसे पहले बढ़े हुए हेयर को मैं कट कर ले रही हूँ और इसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो है फैला हुआ आईब्रो है, इसे बहुत ही अच्छा सा थिक सा राउंड शेप में आईब्रो बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं कस्टमर से पूछ ले रही हूँ तो उन्हें कैसा आईब्रो चाहिए, तो ये इनका जो है कि इनको राउंड शेप में मोटा आईब्रो चाहिए। तो चलिए मैं वही करती हूँ। ये ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे क्या थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा हेयर जो है, बस एक्स्ट्रा हेयर को ही निकालना है। सिर्फ एक्स्ट्रा हेयर निकालने से आपका ये सिर्फ शेप होगा, पतला नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स की चॉइस होती है कि उनका पतला ना हो, तो इस तरह से यहाँ पे देखिए बस इतने ही करने से ये क्लीन हो गया। अब ये शेप है, तो यहाँ से शेप करने के ये यहाँ से धागे को ऐसे बैठाना है और ये ऐसे निकाल देना है। तो इस तरीके से यहाँ से देखिए धागे को इस तरह से मैं बैठाती हूँ इस तरीके से और यहाँ तक लेके आ जाती हूँ। अब ये है कि कभी कभी हो सकता है कि किसी का स्किन जूझ हो, तो आप थोड़े थोड़े हेयर को निकाल सकते हैं और नहीं तो आप एक बार में भी सेप कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैं थोड़े से हेयर को निकाली और फिर यहाँ पे थोड़ा और सेप कर ली, तो ये क्या एकदम साफ अच्छा सा आईब्रो बनता है। और जब भी आप बनाए तो ये लेंथ को कभी भी कम नहीं करना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ रही हूँ, ये लेंथ कभी भी कम नहीं करना है। ये देखिए कितने अच्छे से यहाँ तक ये आया और ये आईब्रो देखने बहुत ही अच्छा लगता है। एक चीज और है, यहाँ पे अभी पूरा अच्छे से शेप नहीं आया, तो थोड़ा सा और मैं यहाँ से निकाल दे रही हूँ। यदि आप बिगनर्स होंगे, जो भी कोई वीडियो देख रहे हैं बिगनर्स होंगे, तो आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम आता होगा आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं कॉमेंट में। अब आईब्रो बनाने में क्या है, स्ट्रेचिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो स्ट्रेचिंग जो करना है वो यहाँ से करना है, जब भी करना है यहाँ से करना है। आप स्ट्रेच कीजिए खुद से, आईब्रो को पकड़िए खींचिए, देखिए जब भी करना है। देखिए अक्सर यही गलती होती है सभी से, ये जो स्ट्रेचिंग किया हुआ आप देख सकते हैं ये आईब्रो झुका हुआ दिख रहा है। अगर ऐसे ही बना दिया जाए, कोई बिगिनर्स अगर इसे ऐसे बना दे तो क्या हुआ, ये झुका हुआ आईब्रो बन जाएगा। स्ट्रेच ऐसे नहीं करना है, स्ट्रेच ऐसे करना है, यहाँ से खींचिए पहले ऊपर से पूरा अच्छे से आंख बंद कीजिए और ये थोड़ा सा फिंगर को और ऊपर, थोड़ा और ऊपर। हाँ, ये तरीका है सही तरीके से स्ट्रेच करने का। आप देख सकते हैं उस समय जो पोजीशन था और अभी, दोनों में बहुत ही फर्क आ गया है। और अगर स्ट्रेचिंग सही होगा तो आईब्रो आपका सही होगा। तो क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा दो चार बार लेना है, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि यहाँ से थोड़े हेयर को ले लेना है और एक गार्लैंड बना लेना है। गार्लैंड बनाने से क्या होगा कि आपको एक आधार मिल जाएगा कि आपको इतने पर से ही आईब्रो निकालना है, यानी इतना ही मोटा रखना है। तो इस तरीके से मैं यहाँ से, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये गार्लैंड बन गया है और इसी से मैं आगे बढ़ रही हूँ। इसी से थोड़े थोड़े ऐसे थोड़े से हेयर को ले रही हूँ, फिर निकाल रही हूँ, फिर थोड़े हेयर को ले रही हूँ, निकाल रही हूँ। और ये जो आज वाला शेप है, यहाँ पे आने के बाद आपको धागा थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करना है, बहुत ही सावधानी से मूव करना है। ये जब निकालते हैं, ये जब मूव करके निकाला जाता है, तो यहाँ से यहीं तक आपको धागे को लाना है, तो इसको यहाँ से यहीं तक लाना है और आपको ऐसे रुक जाना है। तो इस तरीके से यदि आप काम करते हैं तो आपका आईब्रो बहुत ही परफेक्ट बनता है, ठीक बनता है और लंबाई भी जो ये लास्ट वाला पॉइंट है वो भी नहीं करता है। अगर आप गार्लैंड के हिसाब से करेंगे तो हमेशा ही आपका परफेक्ट आईब्रो बनेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा हेयर था वो भी मैं क्लीन कर दी। और आपको एक चीज ध्यान देना है कि ये स्टार्टिंग और ये एंडिंग, ये दोनों कभी भी आप छोटा नहीं करेंगे तो आपका आईब्रो का सेप बहुत ही परफेक्ट बनेगा। तो अब मैं बना रही हूँ लेफ्ट साइड का आईब्रो और लेफ्ट साइड के आईब्रो में जो भी एक्स्ट्रा हेयर है उसे मैं सबसे पहले कट कर ली और कट करने के बाद मैं ऊपर का सेप करती हूँ। और जैसा कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं राइट साइड ही खड़े होकर के लेफ्ट साइड के ऊपर का सेप करती हूँ, और वो इसलिए क्योंकि क्या होता है कि दोनों आईब्रो को आप फ्रंट से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे बन रहा है। तो इस तरह से मैं सामने से इतने थोड़े से हेयर को कर लेती हूँ, थोड़े से आईब्रो को कर लेती हूँ, इसलिए क्योंकि इससे क्या होगा ना कि आप दोनों समझ सकते हैं कि दोनों आईब्रो एक जैसा बन रहा है। और यहाँ पे मैं आईब्रो को शेप दे रही हूँ गोल, तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ऊपर का शेप लगभग हाफ हो गया है। और अब मैं आ जा रही हूँ बैक में, पकड़ लीजिए, स्ट्रेच कीजिए। बैक में आने के बाद मैं शेप करने स्टार्ट कर रही हूँ लेफ्ट साइड के नीचे का शेप। और ये देखिए इस तरीके से नीचे से थोड़े से हेयर को मैं ली, ये मैं गार्लैंड बनाते हुए नीचे का शेप स्टार्ट कर दी। गार्लैंड बनाने के बाद आपको थोड़े थोड़े एक दो हेयर लेना है इस तरीके से और आगे की तरफ बढ़ना है।
और बढ़ते हुए मैं आ गई यहाँ पे आज के पास, और इस तरीके से यहाँ पे आपको थोड़े से धागे को टर्न करना है नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ करना है बट आपको हेयर इतना ही रिमूव करना है बस, और रुक जाना है क्योंकि अगर धागा आपका आगे की तरफ गया तो आपके आईब्रो से हेयर निकल सकता है जो कि आपके आईब्रो का शेप खराब कर सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे नीचे का शेप हो गया, इससे हेयर मैं ऐसे निकाल ले रही हूँ। अब चूंकि मैं यहाँ पे राउंड शेप आईब्रो बना रही हूँ तो ये यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से राउंड शेप में आ गए और इसको शेप करते हुए मैं आउटर कॉर्नर की तरफ आ गई, और इसे अब आप बैक से या फ्रंट से कहीं से भी निकाल सकते हैं, आपका शेप एक ही आएगा। और ये शेप लास्ट में कीजिएगा तो आपका ये आईब्रो का लेंथ पूरा आएगा और पतला नहीं होगा। तो ये है आज के आईब्रो का फाइनल लुक। आप लोगों को ये राउंड शेप आईब्रो कैसा लगा? मेरी कस्टमर को तो ये पसंद आया। आप लोग भी अपने अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम आए चाहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी भी तरह का क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।